एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से छापा मारा। आज अचानक गुप्त तरीके से सीबीआई ऋषिकेश एम्स पहुंची और सीबीआई टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसके बाद सीबीआई की छापेमारी से एम्स ऋषिकेश में हड़कंप मच गया है। अब ये छापेमारी क्यों हुई है और आज क्या कुछ हुआ वो आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की है। आज गुप्त तरीके से अचानक से पहुंची सीबीआई की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। सीबीआई टीम की छापेमारी के बाद ऋषिकेश एम्स में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम ने एम्स ऋषिकेश में छापेमारी कर जांच करने में अब जुट गई है। आपको यहां पर बता दें कि एम्स ऋषिकेश में नियुक्तियों और उपकरणों की खरीद में अनियमितता के मामले में सीबीआई की टीम ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है और इसी के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंची। 7 सदस्य की टीम चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय एमएस में प्रकरण से संबंधित आवश्यक जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पहले भी सीबीआई एक साल पहले वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी ऋषिकेश एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तैनात तत्कालीन अतिरिक्त प्रोफेसर बलराम जी उमर और एनाटॉमी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह, तत्कालीन सहायक प्रोफेसर अनुभा अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी शशिकांत, लेखाधिकारी दीपक जोशी और खनेजा कॉम्प्लेक्स शकरपुर दिल्ली स्थित प्रो मेडिकल डीआईएसएस के मालिक पुनीत शर्मा को नामजद किया था, जबकि इनके अलावा दो अन्य भी मुकदमे में नामजद आरोपी हैं। अभी तीसरी छापेमारी है। 2017 से 18 में एम्स ने स्वीपिंग मशीन खरीदी थी, जिसमें 2,41,00,000 की धांधली की जांच चल रही है। दूसरी कंपनी 1 करोड़ में मशीन दे रही थी। फिलहाल सीबीआई एम्स ऋषिकेश में तमाम जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। तो ये थी ऋषिकेश से हमारे सहयोगी कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार। We'll be right back.